व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे काफ़ी सारे जोक्स होते हैं जहाँ पे महिला ड्राइवर्स का मजाक उड़ाया जाता है। तो आइए मिलते हैं सुनीता भोगले से, जो ना सिर्फ एक महिला ड्राइवर है बल्कि स्कूल बस चलाती है, मुस्तैदी से बस चलाती है और जिम्मेदारी से स्कूली बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल तक पहुँचाती भी है। आइए। कितने सालों से आप चला रही स्कूल बस? मैं 12 साल हुए मुझे बस चला रही हूँ। मैं बाइक से शुरू किया था, एक्टिवा पे मैं छोड़ती थी, तो वहाँ से फिर बच्चे ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर ओमनी लिया था मैंने, फिर सुमो लिया था मैंने, ऐसा करके मेरे अभी 4 गाड़ी है मेरी। तो आपने क्यों सोचा कि आपको ये स्कूल बस चलानी है, क्यों ये प्रोफेशन क्यों चुना? बस मुझे अच्छा लगता है ये कुछ अलग से करने का, और मेरे घर का यानी मेरे हस्बैंड का बहुत इस पर सपोर्ट है, उनकी ज़्यादा से इच्छा है कि मैं कुछ अलग से अच्छा ड्रेसिंग कुछ करूँ। हाँ, इसके वजह से मैंने ये सब अप्लाई किया है। बस चलाने का लाइसेंस मिलना और ये सब इजी था आपके लिए? इजी तो नहीं था, लेकिन हो गया, मैनेज हो गया सब। महिला स्कूल बस चलाती है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? बहुत अच्छा रिएक्शन है, एक लेडीज़ करती है तो उनका तो और भी अच्छा रिएक्शन है, इसके वजह से लेडीज़ की वजह से ही मुझे ज़्यादा बच्चे मिलने लगे ऐसा। कभी कभी ट्रैफिक पुलिस से या फिर लोगों से कोई तकलीफ हुई? बिल्कुल नहीं, उल्टा लेडीज देख के तो मेरे को इतना उन लोगों ने अच्छा रिएक्ट किया है मेरे लिए, मुझे सैल्यूट मारते हैं पुलिस वाले, तो मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। महिला चाहती है कि इस प्रोफेशन में आना, उनको आप क्या बताएं, क्या गाइडेंस दे रही, क्या करना पड़ता है उसके लिए? क्या है कि तुम्हारे अंदर जो इच्छा है ना, वो तुम बिंदास करो, किसी की परवाह किए बगैर हर चीज़ बिंदास करो। मुझे तो बहुत अच्छा एम्बिशन है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बस हो, हर स्कूल में मेरा गाड़ी चल रही ऐसा ही, और मेरे ड्राइविंग लाइफ में हर लेडीज़ आ जाए, लेडीज़ ही रहे, तो मैं तो सब लेडीज़ को ये इनवाइट करती हूँ कि तुम सीखो और आओ कुछ तो करो अलग से। जैसे सुनीता ने बोला कि हर महिला अगर कुछ करना चाहती है तो उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है, और अगर आप अपना काम से आप प्यार करते हैं और मुस्तैदी से करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर हासिल होती है। कैमरामैन विनीत के साथ रेणुका राजगारकिल, मुंबई लाइव।